तो ये है यहाँ का मेन चौक, जहाँ से काफ़ी रास्ते जा रहे हैं। एक ये रास्ता जा रहा है नीचे, यहाँ सब्जियाँ वगैरह, ये देख रहे हो आप धर्मकोट, ये जा रहा है धर्मकोट के लिए ऊपर, और ये जा रहा है बागसुनाथ वाटरफॉल के लिए, जो कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है। बट 1.5 किलोमीटर होता है यार पहाड़ों में, 1.5 किलोमीटर भी बहुत होता है। तो कुछ ऐसा व्यू है मॉर्निंग का यहाँ मैक्लोडगंज चौक का, या फिर कहें मैक्लोडगंज सेंट्रल स्क्वायर का। और कल रात ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना जब लाइटिंग होती है ना तो वो बहुत अच्छी दिखती है। सामने हल्के हल्के बादल हैं भाई, बारिश होने के चांसेस है, और वो सामने एक मूर्ति लगी हुई है, और ये सारे होटल्स वगैरह हैं यहाँ के सेंट्रल स्क्वायर के। वैसे इन होटल्स की बात करें तो ये थोड़े कॉस्टली हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेंट्रल स्क्वायर पर हैं, और अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना, जैसे हम लोग गए थे, हमसे भी ऊपर धर्मकोट हो गया, और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जो है वो होटल्स जो है थोड़े से कम प्राइस में। तो फिलहाल हम यहाँ आ गए हैं छोटी सी गली, फिर से यहाँ से एक रास्ता जा रहा है अंदर को जा रहा है। अभी फिलहाल हमको लगी है भूख, और हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। वेट कितना होगा इसमें? और कितना होगा? ठीक है, काम आएंगे ना ये सारे ट्रैक पे। ये ले लिया ना, ये रास्ता है जो नीचे जाता है सेंट्रल स्क्वायर की तरफ, मैक्लोडगंज का मेन चौक है, और ये वाला रास्ता है, ये जा रहा है धर्मकोट। धर्मकोट जाने वाला एक और रास्ता था, वो नीचे से हो गया था, लेकिन वो जो है वो सीधा गल्लू देवी टेम्पल लेके जाता है, और अभी हमें धर्मकोट में स्टे करना है, इसलिए हम लोग इस वाले रास्ते से जा रहे हैं जो मेरे पीछे है। मैक्लोडगंज से धर्मकोट 1.8 किलोमीटर है, लेकिन पहाड़ों में 1.8 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, चलने में हालत ख़राब हो जाती है। अभी से ही थोड़ी थोड़ी जो है वो सांस फूलने लगी, क्योंकि रास्ता जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि स्टेप होता जा रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जोगपाल और शेरपाल जो है ना भाई, 40-40 रोटी खा गए मथुरा वृंदावन के होटल में, और मैंने खाई थी 3। कैश लेके नहीं गया था, बर्तन धोने पड़ गए। इस रास्ते पर होम स्टे की कोई कमी नहीं है, हर 50-100 मीटर के बाद एक होम स्टे है, और होम स्टे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी क्रिएटिव से हैं, अच्छी वॉल पेंटिंग लगी होती है, रूम्स काफ़ी क्लीन होते हैं, मतलब रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है मैक्लोडगंज धर्मशाला धर्मकोट अगर आते हो तो। तो ये है मैक्लोडगंज का नज़ारा, पर मैं सच बताऊँ ना, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, जो छोटा सा पार्ट है वही पूरा कमर्शलाइज्ड है। अगर ऊपर आते हैं ना तो आप लोग देख ही रहे हो, इसी तरह से फिर सारे फॉरेस्ट वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ कहीं भाई बिल्कुल टॉप पे ना अपना जो था वो रूम था, यानी कि वो गेस्ट हाउस था, जिसका नाम था कालसन गेस्ट हाउस, और उस गेस्ट हाउस की पूरी एक वीडियो बना के रख रखी है, आई बटन में दे दूँगा, देख लेना। तो ज़्यादा दूर नहीं आए, 1 किलोमीटर आए होंगे, और जो है वो गर्मी लगनी शुरू हो गई, अब पसीने आ रहे हैं, और 1 किलोमीटर आ गया मैं, धर्मकोट और मैक्लोडगंज के बीच में हूँ, मतलब अब यहाँ से 1 किलोमीटर है, और रास्ते में बहुत अच्छी बिल्डिंग कहें या गेट कहें, ये पूरा तिब्बतन स्टाइल में, और मैंने यहाँ लोकल से पूछा तो ये यहाँ का स्कूल है, और अंदर जा नहीं सकते भाई क्योंकि ये स्कूल है, और ये गेट देख लो बिल्कुल तिब्बतन स्टाइल में, और बहुत सही लग रहा है। प्लान में थोड़े से चेंजेस, क्योंकि दोपहर के 12:30, ये वाला रास्ता है, दोपहर के 12:30 बज गए, और त्रिवेणी का जो है भाई वो प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे भी लग सकते हैं त्रिवेणी तक पहुंचने में, फिर उसके बाद में पहाड़ों में वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अभी त्रिवेणी ना जाके त्रिवेणी किसी और दिन जाएंगे, हो सकता है कल चला जाऊँ, उसकी भी एक अलग वीडियो हो जाएगी। अभी हम जा रहे हैं यहाँ धर्मकोट वाटरफॉल, ये तो मैं गया हुआ हूँ,
पहले आया था, जब 2019 में आया था तो मैं धर्मकोट वाटरफॉल गया था, बहुत अच्छा है। और पीछे ना वहाँ रह गया गल्लू देवी टेम्पल, तो गल्लू देवी टेम्पल से ही रास्ता जा रहा है, त्रिवेणी ट्रैक के लिए अलग जा रहा है और धर्मकोट वाटरफॉल के लिए अलग जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं धर्मकोट वाटरफॉल, और यहाँ से करीब 1 या 1.5 घंटे का रास्ता है, तो ये तो पॉसिबल है धर्मकोट वाटरफॉल जाना, लेकिन त्रिवेणी टॉप पे जाना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है लेकिन टाइम की वजह से पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसको नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दिया। और अब चलते हैं धर्मकोट वाटरफॉल की तरफ। धर्मकोट में स्टे कर लिया, स्टे भी ठीक था, जैसा वहाँ था ना मैकलोडगंज में वैसा ही जो है वो यहाँ धर्मकोट में। प्राइस का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, पर यहाँ का थोड़ा सस्ता मिला है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ना ऑफ सीजन है भाई। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये जो धर्मकोट मैकलोडगंज ये सारा मार्च से लेके और दिसंबर तक नवंबर तक सारा टूरिस्ट से भरा होता है, और स्पेशली फॉरेनर जो होते हैं फॉरेन टूरिस्ट से भरा होता है, सारे विदेशी मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन अब रीजन ये है कि थोड़ा सा ऑफ सीजन है, और इसको ना मिनी इसराइल भी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसराइल वाले यहाँ आके अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करते हैं। रीजन ये है कि अब कोई भी यहाँ नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अभी चल रहा है भाई, सबको पता है इसराइल और फलस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है, इसलिए सारे जो इसराइली हैं वो वापस बुला लिए। अब एक रीज़न ये भी होता है ना कि यहाँ इसराइली क्यों आते हैं, तो उसका भी एक मेन रीज़न है भाई कि इसराइल के अंदर जो वो होते हैं ना उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग, जब ये लोग 18 साल से ऊपर हो जाते हैं वहाँ के जो भी हैं लड़की हो या लड़का, तो उन लोगों के लिए मैंडेटरी है वहाँ की मिलिट्री ट्रेनिंग करना। तो मिलिट्री ट्रेनिंग करने के बाद ये लोग चिल करने यहाँ आते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि इंडिया क्यों आते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो बात यह है कि पूरे दुनिया के अंदर ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि इसराइल को कोई कंट्री मानती नहीं है, मतलब वीज़ा नहीं देती है। और इंडिया और इसराइल, इंडिया इसराइल को कंट्री मानता है, इसराइल इंडिया को कंट्री मानता है, तो बहुत आसानी से इसराइल वालों को इंडिया का वीज़ा मिल जाता है। तो रीज़न यही है कि ज़्यादातर जो इसराइली हैं वो यहाँ पर आते हैं और अपना छुट्टियाँ स्पेंड करते हैं। और ये पूरा हिल स्टेशन जो है छोटा सा मैकलोडगंज या उससे ऊपर धर्मकोट, ये पूरा फिल रहता है विदेशी पर्यटकों से। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं धर्मकोट वाटरफॉल की ओर, और वो काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है। और रास्ता कुछ इस तरह से आप लोग देख रहे होंगे, पूरा जो है वो इसी तरह से पत्थरों से बन के और आगे तक जा रहा है। दोस्त आगे भाई हर ट्रैक पे होते हैं, ये देखो। और ये कौन सी ब्रीड है? ये जर्मन, मतलब थोड़ा है तो जर्मन। अच्छा जर्मन है। और ये वाले तो हस्की है ना, तो मेरा फेवरेट है ना। अब जो हर ट्रैक पे होता है ना वो ही चल रहा है भाई, कुत्ते साथ लग गए। कुत्ते मत बोलो, जो इंसानों से अच्छे हैं। ओ सॉरी, खासकर लड़कियों से। तो दोस्त साथ लग गए, ट्रैक के साथ ही साथ लग गए। अब ये ऊपर तक जाएंगे और ये रास्ता दिखाएंगे, यही वाला जा रहा भाई। देख एरो है ना, देखो एरो है, और बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहा है। अब देखना है कहाँ तक ये साथ चलेंगे। तीनों हैं, बिल्कुल पालतू लग रहे हैं, लेकिन ये यहीं पर रहते हैं और जो ट्रैकर्स आते हैं उनके साथ ऊपर तक जाते, नीचे तक जाते, गाइड बन के जाते हैं, मतलब कहने का ये है। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है ना, हस्की वाइट वाला। और एक आगे दोस्त अपने, थोड़ा सा तो डर लगता है भाई कुत्तों से, पर इन पे भरोसा किया जा सकता है, काटते नहीं है। बस इनको कुछ खाने के लिए दे दो और ये ऊपर तक साथ जाते हैं जहाँ भी ट्रैक एंड हो रहा होता है। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ, खीर गंगा ट्रैक हो गया, चाहे वो हो गया, कौन सा वाला किया था मैंने उत्तराखंड में, तो पूरा रास्ता ऐसा ही है भाई। वो तो ठीक है कि बारिश नहीं हो रही है और सूखा सूखा सा मौसम है, और जो अभी पीछे पत्थर जो थे बहुत गीले थे, स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर रास्ता ना पता हो ना, देखो ये पाइपलाइन जा रही ना,
ये बिल्कुल लास्ट तक जा रही है और उसी को फॉलो करना है, वो तो ठीक है। और एरो बिल्कुल सही लगा रखे, डायरेक्शन बना रखी है। और पानी भाई साथ में, ये मेरे नाम की बोतल है, यही चलती है अब जहाँ भी जाओ, ट्रैक पे जाओ या कहीं भी जाओ। पर मैं ऑफिस वालों ने दी थी, पर मैं ऑफिस बिल्कुल नहीं ले जाता इसे। तो ये देखो नीचे का कुछ व्यू ऐसा है। तो दोस्तों 1.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम यहाँ एक अनसीन ब्यूटी ऑफ धर्मकोट कह सकते हैं, यह है धर्मकोट वाटरफॉल मेरे पीछे जो है। और अभी मानसून सीजन जो है वो नहीं है ना, जब लास्ट टाइम मैं आया था तब मानसून था। और ये जो वाटरफॉल है वो बहुत तेज, मतलब उसका जो पानी का बहाव था ना वो बहुत तेज था। और यहाँ से आगे अब कुछ नहीं है, सारा रास्ता बंद है। अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ तक जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने एक लोगों को देखा भी था। और लास्ट में ये कैफ़े है, कैफ़े का नाम है आईबैक्स कैफ़े। और इन्होंने कुछ ऐसा मार्किंग कर रखी है, हाइट की बात करें ना इस वाटरफॉल की या जहाँ अभी हम हैं तो वह 2160 मीटर का। तो इसको ना एक अनसीन ब्यूटी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं ना मैक्लोडगंज, वो सारे त्रिवेण ट्रैक करने के लिए आते हैं और त्रिवेण ट्रैक करने के बाद फिर अपना मैक्लोडगंज और घूमते हैं। तो यहाँ भी आते हैं, लोगों को देखा मैंने आते हुए, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं है ये। बैठ जाता हूँ फिर उसको बताता हूँ। तो ये परंपरा इतना पॉपुलर नहीं है ये, पर ये है कि बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है और बहुत स्मूथिंग है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अभी तक जितने पसीने आए थे ना वो सारे जो है सूख गए हैं और भूख भी लगने लगी है। तो कैफ़े बहुत सही जगह बना रखा है इन लोगों ने। पहले हम लोग थोड़ा इधर उधर देख लेते हैं और मैं नीचे दिखाता हूँ। पानी देखो यार, बिल्कुल कितना क्लीन पानी है। नीचे जो पत्थर है ना उस पानी में, वो एकदम साफ़ सुथरा दिख रहा है, साफ दिख रहा है बिल्कुल पानी, क्योंकि साफ़ सुथरा है। और जो चीज़ मैंने बताई थी ना मेरे साथ हर ट्रैक पे, वो ही होता है वहाँ से। ये दोस्त, मैं दोस्त बोलूँगा, कुत्ता नहीं बोलूँगा यार, क्योंकि कुत्ते तो जब मैं कुत्ता बोल रहा हूँ इसको बुरा लग रहा है। तो ये सारे जो है वो वहाँ से शुरू हुए थे, धर्मकोट से, और लास्ट तक आए हैं। ठीक है, हस्की ये बैठा, एक बार इसको दिखा दूं, ये रहा। और बाकी के जो दो थे, एक ये रहा और एक वो रहा। तो ये थी भाई मेरी वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो, क्योंकि त्रिवेण ट्रैक कैंसिल हो गया क्योंकि टाइम नहीं था। और यहाँ धर्मकोट वाटरफॉल आ गए, त्रिवेण ट्रैक नहीं हो पाया। तो और ये कैफ़े जो है वो इस सोलर लाइट से, इसके अंदर जो लाइट होगी वो चलती होगी रात बात में। और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, एक दो लोग दिखे थे। और अब क्या ही बोलूं, बहुत सही है। तो मैगी आ गई, चाय आ गई, पानी भी है, और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पहाड़, मैगी, चाय, बस यही चाहिए होता है। तो इसी के साथ भाई मैं अपनी धर्मकोट वाली वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।